आज मैं आप लोगों के साथ आलू और पनीर की सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी। साथ में मैं आपको मिनटों में बनाना सिखाऊंगी जीरा राइस। दोनों ही रेसिपी हम बहुत ही जल्दी बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बातें ना करते हुए हम अपने आलू और पनीर की सब्जी को बनाना स्टार्ट करते हैं, साथ में जीरा राइस। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? मैं आशा रखती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यमी सी रेसिपी लाई हूँ। आप एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और मिनटों में आप इसे बनाकर खा सकते हैं। टेस्टी होने के साथ साथ बनाना भी बहुत आसान होता है। आप एक बार मेरे तरीके से बनाइएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलेगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ आप सभी के सपोर्ट को हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपने इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आलू और पनीर की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पनीर ले रखा है और मैंने ये बॉईल आलू लिया है, उबले हुए आलू हैं। आप चाहें तो कच्चे आलू को भी इस तरीके से कट करके ले सकते हैं। और ये मेरी होममेड पनीर है, मैंने इसे घर पे ही बनाया है और इसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है। और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पनीर बनती है, आप देख लीजिए कितनी सॉफ्ट है। ये देखिए बहुत ही अच्छी, बिल्कुल मार्केट की तरह हमारी पनीर बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए हम बातें ना करते हुए बनाकर तैयार करते हैं अपनी आलू पनीर की सब्जी को। जब तक सरसों का तेल अच्छी तरीके से गर्म हो रहा है तब तक मैंने यहाँ पे देखिए एक कटोरी में दही ले रखा है और दही में हम डालेंगे धनिया पाउडर एक चम्मच। इससे हमारी दही बिल्कुल भी फटेगी नहीं जाने के बाद मसाले में और अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। इसमें हम डालेंगे दो तेज़पत्ता और साथ में हम डाल देंगे लौंग 4 से 5 और इसमें गोल वाली जो काली मिर्च होती है उसे मैंने डाल दिया है 3 से 4, 2 पिंच हींग, 1 बारीक कटी हुई प्याज और प्याज को अच्छी तरीके से भूनते हुए हम पकाएंगे। इसमें अब हम डालेंगे प्यूरी। प्यूरी में मैंने 3 टमाटर लिया था, 3 टमाटर, 2 प्याज, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 2 हरी मिर्च और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। सारी चीज़ें मिक्सी जार में ग्राइंड कर लिया था, पीस लिया था और अच्छी तरीके से हम सभी पेस्ट को मिक्स करते हुए पकाएंगे। जब तक ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पक ना जाए तब तक आप कुछ भी ऐड मत करिएगा, वरना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, फिर कच्चा कच्चा सा टेस्ट आएगा। सारा फ्लेवर मसाले का ही होता है, मसाले अच्छी तरीके से भुन जाए उसके बाद हम इसमें बाकी बची हुई चीज़ें ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कुछ पीसे हुए मसाले, नॉर्मल सब्जी मसाला 1 चम्मच, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हम इस पर डालेंगे हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। सारे मसालों को भूनते हुए हम पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे दही। दही में हमने धनिया पाउडर मिक्स कर रखा है और दही को भी अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे मसाले के साथ और अच्छे से पकाएंगे थोड़ी देर। बहुत ही अच्छी तरीके से दही भी हमारी पक गई है। इसमें हम डालेंगे अब पनीर को अपने, जो हमने क्यूब्स में काट रखा है, और अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और साथ में हम डाल देंगे कटे हुए अपने सारे आलू को। दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मसाले के साथ मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। अभी से देखिए कितने ज़्यादा टेस्टी पनीर लग रही है। इसमें अब हम डालेंगे पानी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कितना डालना है आपको, और पानी को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। दही वाली कटोरी को भी हम धुल के पानी डाल देते हैं और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे मैश की हुई आलू। मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ की आलू को मैश कर लिया है, इससे एकदम थिक हमारी ग्रेवी बनेगी। पनीर के साथ जो ग्रेवी होती है खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको चेंज लग रही होगी तो मुझे सर्दी हो गई है। और फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे, मीडियम फ्लेम में कवर करके इसे पकने देते हैं अपनी आलू और पनीर की सब्जी को। ये देखिए पनीर कितनी अच्छी तरीके से बॉईल हो रही है और देखिए पनीर हमारी फूल गई है, ग्रेवी भी आप देख लीजिए कितनी थिक है। बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है इस तरीके से पनीर अगर बनाई जाए तो। आप भी ऐसे ज़रूर बनाकर देखिएगा, एकदम टेस्टी टेस्टी ढाबा वाला टेस्ट आएगा आपको।
जैसे कि आप रेस्टोरेंट वगैरह में ढाबा में खाते हैं ना, बिल्कुल वही वाला टेस्ट आपको पनीर में आएगा। थोड़ी देर हम इसे और पकाएंगे। अभी पनीर में हम डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। अगर आपके पास बारीक कटी हुई हरी धनिया है तो आप हरी धनिया डाल दीजिएगा। कसूरी मेथी को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी पनीर बनकर तैयार हो गई है। पनीर की सब्जी ऑलमोस्ट हमारी बनकर तैयार है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। आप भी ऐसे ज़रूर बनाकर देखिएगा, इससे टेस्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा सब्जी का। एक बार आप इस तरीके से देसी घी वाली सब्जी ज़रूर बनाकर देखिएगा। आप मलाई कोफ्ते या फिर कोई और कोफ्ते, मटर पनीर, सिंपल पनीर, शाही पनीर, कुछ भी आप बनाएं तो देसी घी आप पकने के बाद एक बार 1 चम्मच डालकर ज़रूर देखिएगा, उसका टेस्ट 2 गुना हो जाएगा। पनीर की सब्जी हमारी बनकर तैयार है। अब फटाफट से हम जीरा राइस बना लेते हैं। जीरा राइस बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। आप रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हैं जीरा राइस। देसी घी हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा। जीरे का कलर नहीं चेंज करना है हमें। और अब हम फटाफट से इसमें डाल देंगे अपने सारे चावल को। सारे चावल डालने के बाद अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे जीरा और चावल को। मेरे एक बहुत ही प्यारे से सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने जीरा राइस पे मेरे कमेंट किया था और कहा था कि जीरा राइस सिर्फ जीरा से ही बनता है, तो मैंने सिर्फ जीरे से ही जीरा राइस बना दिया है। आपको जैसा ठीक लगे आप उस तरीके से बनाइए। गरम मसाला भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये सब डाल के भी जीरा राइस बनाया जा सकता है और सिर्फ जीरा से भी जीरा राइस बनाकर तैयार किया जा सकता है। इसमें अब हम डालेंगे नमक थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही हम नमक डालेंगे। नमक को भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और फ्लेम को फटाफट से कर देंगे ऑफ, बंद कर देंगे। और जीरा राइस और आलू पनीर की सब्जी हमारी बनकर तैयार है खाने के लिए। ये लीजिए जीरा राइस और साथ में मैंने यहाँ पे पनीर की सब्जी भी रेडी कर ली है बनाकर। ये देखिए पनीर की सब्जी कितनी अच्छी बनी है आलू पनीर की। आप भी ऐसे ज़रूर बनाकर देखिएगा, आपको खा के मज़ा ही आ जाएगा। ये देखिए थिक ग्रेवी वाली, पतली पतली सी पनीर होती है तो खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती। और सब करते हैं हम एक प्लेट में। मैंने यहाँ पे जीरा राइस ले रखा है थाली में और अपनी पनीर को भी निकाल लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक आप मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और ऐसी ही प्यारी सी रेसिपी बनाकर इंजॉय करिए। बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली।